Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we are going to start with subject maths for class 2nd students. And your first chapter which is numbers up to 999. पिछले क्लासेस में क्लास फर्स्ट में आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स तो यही गए होंगे, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ दो डिजिट के पढ़े थे। इसमें हम लोग छह डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें नंबर्स नहीं, आप लोगों ने पिछले क्लास में 1 से 100 तक के लिखना भी जानते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे उसका नाम लिखते हैं ये भी जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि 999 यानी 1000 तक हम लोग कैसे जानेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लोग को इसको जानना होगा कि कौन सा वंस होता है, कौन टेंस होता है और कौन हंड्रेड होता है, ठीक है। इसमें आपके थ्री डिजिट लिखे हुए हैं। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि वंस कौन सा है। हमारा ये क्या है, वंस। सेकंड क्या है, टेंस। ये आपका क्या है, हंड्रेड, ठीक है। तो हम लोगों को जब ये पता होता है कि कौन सा वंस है, कौन टेंस है, कौन सा हंड्रेड है, तो हम लोग इजीली नाम लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि थ्री हमारा हंड्रेड प्लेस पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, थ्री। अब ये कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड। थ्री हंड्रेड हो गया। उसके बाद से आपकी सेकंड पोजीशन पे है फोर। तो फोर और नाइन, टेंस और वंस को हम लोग हमेशा एक साथ लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, 49। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 49। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाम को लिखेंगे। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। पिछले क्लासेस में आपने दो डिजिट के कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, इसमें हम लोग थ्री डिजिट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग नंबर देख के पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। पहले हम लोग ये नंबर देखेंगे, ठीक है, थ्री, और इसमें भी थ्री बराबर है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे फोर और फोर देखेंगे, तो ये भी हम लोग का क्या है, इक्वल है। अब नाइन और एट, तो इसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं ना, एट और नाइन में कौन सा बड़ा है, नाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर दैन का सिंबल इधर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग ये जो ये थ्री लिखा हुआ है, ये और इसमें भी ये दोनों हमारे बराबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे, तो ये फाइव है और ये क्या है, फोर। तो हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है, हमारा फाइव बड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल इधर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें जब हम लोग पहला नंबर ही देखेंगे, उन लोग का क्या है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री है, तो इसमें से हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, फोर। हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल इधर लगा देंगे। अब इसमें जब हम लोग नंबर देखते हैं, तो फाइव और फाइव ये दोनों बराबर है, एट और एट ये दोनों भी बराबर है, थ्री और थ्री ये भी बराबर है। हमारे तीनों डिजिट एक दूसरे से बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। पिछली क्लासेस में आपने दो डिजिट के पढ़े हुए हैं, इसमें हम थ्री डिजिट के लिए पढ़ लिए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग क्या होता है, आप कोई भी आपके कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं, तो आप लोग को क्या करना होता है, उसको छोटे से लिखते जाएंगे और बड़े तक लिखेंगे। और डिसेंडिंग क्या होता है, जस्ट सपोज हम लोग जो बड़ा अंक रहता है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद से उससे छोटा छोटा लिखते जाएंगे, जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आपके तीन नंबर लिखे हुए हैं, हम लोग को इसको असेंडिंग फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले बड़ा कौन सा है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम इस सब के पहले नंबर्स को लिखेंगे, ये और ये और ये तीनों बराबर है ना।
अब इसको हम छोड़ देंगे, सेकंड प्लेस हम लोग देखेंगे 4, 5 और 2, तो इसमें से अब हम लोग का सबसे छोटा कौन सा है 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ये हमारा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो ये हमने पहले देख लिया कि ये बराबर है, इसके बाद से 4 और 5, तो इसमें हम लोग का सबसे छोटा कौन सा है 349, इसके बाद क्या बचा है 359, ठीक है। इसी तरह से असेंडिंग होगा और जस्ट अपोजिट कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया, अब आप एक डिसेंडिंग का और देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद से उसे छोटा लिखते रहेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे पहला जो हम लोग देखेंगे 3, 3, 3, ये क्या है बराबर है, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे इसमें क्या है 2 है, 3 है, 5, तो इन तीनों में हमारा सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो हम लोग को पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, तो हम लोग पहले उठा देंगे। चलिए आपका हो गया, इसके बाद से आपका यहाँ पर 3 और 3 हमने देखा है बराबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें से हमारा बराबर बराबर नहीं है, तो हम लोग का बड़ा कौन सा है 338, ये भी हो गया। अब क्या बचा है एक सिंगल 339, तो इस तरह से है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी डिजिट दिए होते हैं आपको उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है और ग्रेटेस्ट नंबर होता है। एग्जांपल देखते हैं, ये आपके 3 डिजिट दिए हुए हैं, हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बनाना होता है, हम लोग पहले देखते हैं कि उस डिजिट में सबसे छोटा कौन सा, इन तीनों डिजिट में सबसे छोटा कौन सा है 5, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 5 का आपका हो गया, इसके बाद से 2 डिजिट दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है 8, इसके बाद से आपका सिंगल एक नंबर डिजिट बचा क्या है 9, तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसी को हम लोग को बड़ा बनाना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को लार्जेस्ट बनाना होता है, हम लोग देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9 हो गया। इसके बाद से 8 और 5 है, 8 और 5 में आपका सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 8, इसके बाद 5, ये आपका लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह से आपको डिजिट दिए जाते हैं और आप लोग को उसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है। एक और एग्जांपल इसमें, आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 0, ये आपके डिजिट्स हैं। इसमें आप लोग को क्या करना होता है, जो 0 है उसको कभी भी हम लोग शुरू में नहीं लिखेंगे, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे उसको शुरू में नहीं लिखेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग पहले इसमें से देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है, लेकिन हम लोग को इसमें 0 नहीं लेना होता, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे 2, उसके बाद से हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा छोटा है, तो ऑफकोर्स 0 छोटा है, 0 लिख देंगे और उसके बाद 3, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमको लार्जेस्ट बनाना है, तो लार्जेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 0 को पीछे लगा सकते हैं, लार्जेस्ट बनाना है तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा सा डिजिट कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ये आपका लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम लोग जानेंगे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ उसके डिजिट्स के प्लेस क्या है। इन सब का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे,
पहले हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 हमारा कौन सा केस है? 100। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, इसी तरह से हम 5 का क्या लेंगे, हम सिंपली 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ये कौन सा केस है? 10 के केस है, तो हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह 9, तो हम लोग 9 का करेंगे, 9 का हम लोग सिंपली उतार देंगे और उसके बाद से ये कौन सा प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, तो हम लोग इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9। इस तरह से आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो और बता सकते हो कि वो उसकी प्लेस कौन सी है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं। जैसे ये आपका नंबर लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग स्पेंड करेंगे हम लोग देखेंगे 3, तो 3 हम लोग कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, हम लोग क्या करेंगे 300 लिख देंगे सिंपली प्लस कर देंगे। इसके बाद से हम लोग 2 बचा हुआ है, 2 हम लोग का कौन से प्लेस पे है? 10 के प्लेस पे, तो हम लोग इसको करेंगे तो 2 लिख देंगे और इसके बाद 8 डिजिट है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 यानी 20 लिखेंगे, तो प्लस करेंगे 8, सिंपली हम लोग 8 लिखेंगे और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग का ये 1 प्लेस पे है, हम लोग अक्सर 8 ही डिजिट चाहिए, हम लोग का 8 डिजिट हो गया और इसके आगे हम लोग कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इवन और ऑड। इवन और ऑड में क्या होता है, इवन हम लोग का सम संख्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है, जो हम लोग कभी भी डिवाइड करेंगे तो वो 2 से हमेशा कट जाएंगे। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कटे गए हैं। ठीक है, 2 से कटे गए, वो 3, 5, 4 है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इवन के लिए हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग अक्सर 2 का टेबल हम लोग को याद होता है, वही अगर हम लोग रिपीट करते जाए तो हम लोगों को इवन नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग ऑड देखते आता है, तो ऑड आपको पता है कि वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या, 3 आपका कभी डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 आपका डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपके आज का चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट नंबर्स, आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए हैं जिनके आपको नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट ग्रेटर देन स्मॉल देन आर इक्वल, आपको इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें आपको सिंबल फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच इंडिजिट, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग वीडियो को ही खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।